हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज करवा चौथ है और सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामना। चलिए आज का ब्लॉग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज करवा चौथ है। करवा चौथ हमारे देश में कई तरीके से मनाई जाती है। हालांकि मैं ये व्रत नहीं करती हूँ, हमारे घर में ये व्रत किसी रीजन की वजह से नहीं होती आ रही है, इसीलिए ये व्रत मैं नहीं करती हूँ। लेकिन चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे ओमिक सोसाइटी में ये व्रत कैसे मनाई जा रही है, औरतें क्या क्या कर रही हैं, और चलिए फिर देखते हैं कि ये कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए आप भी देखिए। चार हो गया ना, तीन चार हो गया ना, पांच हो चलो। सुन्नी बेना वीरा चंचड़े लफाने पीना कत्ती ना अटेरी ना घूम चर गड़ा फेरी ना वान फेर पाई ना तुटोड़ा जगाई ना तुटोड़ा। मेरे लिए भी एक काफी अलग अनुभव है। मुझे भी इस व्रत के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी सुहागिनें मिलके इस व्रत को कर रही हैं और आपस में इस व्रत में चलनी अदली बदली जाती है। आप देख रहे हैं, ये व्रत तो सभी जानते हैं पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, और मेरे लिए भी ये बहुत नया अनुभव था, लेकिन मुझे ये देख कर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और आज ये साड़ी मैंने करवा चौथ के अवसर पे डाला है। ये साड़ी मेरे शादी के पहले साल के तीज का था, और मैंने ये सोचा कि कलर आज के दिन अच्छा जाएगा, इसलिए मैंने डाला है। कब बहुत दिनों से ये साड़ी अंदर था, मैंने ये साड़ी निकाला तो मुझे अपने पहले साल के तीज की याद दे ताज़ा हो गई। और देखिए, और ये मैंने आज के दिन का पिक्स लिया है, आप देखिए। आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हैप्पी करवा चौथ। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।